करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। पहले हम सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, एलिमेंट्री कैनाल का पूरा हमने स्ट्रक्चर को पढ़ लिया है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन। और डाइजेशन में हमारा फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, सो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन क्या है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जैसे जिसमें आप पॉलीसेक्राइड यानी स्टार्च खाते हैं, स्टार्च है, उसके बाद डाइसेक्राइड्स खा रहे हैं, डाइसेक्राइड जैसे माल्टोज है, लैक्टोज है, स्टार्च हो गया, डाइसेक्राइड हो गया, माल्टोज, लैक्टोज, सेलुलोज का डाइजेशन हमारे अंदर नहीं होता है क्योंकि इसके लिए माइक्रोब्स की जरूरत होती है, बट स्टार्च, डाइसेक्राइड, माल्टोज, लैक्टोज ये सब हम डाइजेस्ट करते हैं जो हम खाना खाते हैं। मान लो हमने मोनोसेक्राइड लिया ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है? मोनोसेक्राइड, तो उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड है। पर अगर हम पॉलीसेक्राइड यानी स्टार्च ले रहे हैं या डाइसेक्राइड जैसे माल्टोज और लैक्टोज ले रहे हैं तो उसको डाइजेशन की जरूरत है। डाइजेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म विच कैन बी इजिली अब्सॉर्ब बाय आवर बॉडी, जिससे कि हमारी बॉडी उसको आराम से अब्सॉर्ब कर ले। तो अगर हमने फूड खाया और उस फूड में स्टार्च प्रेजेंट है या डाइसेक्राइड, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज प्रेजेंट है, तो वो कहां कहां कैसे कैसे डाइजेस्ट होंगे उसको हम स्टडी करेंगे। तो हम माउथ से स्टार्ट करेंगे और स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बकल कैविटी की। बकल कैविटी के अंदर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें बकल कैविटी में हमने डिस्कस किया था कि सलाइवा के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो बकल कैविटी के अंदर क्या आएगा? सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगी? सलाइवा, ठीक है स्टूडेंट। और उस सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट था? उस सलाइवा के अंदर दो एंजाइम प्रेजेंट थे, एक सलाइवरी एमाइलेस और दूसरा था लाइसोजाइम। सो लाइसोजाइम जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है और सलाइवरी एमाइलेस जो स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करेगा। सो हमने ये पहले भी पढ़ा है। अब ये सलाइवरी एमाइलेस अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या हुआ? जो भी हमने स्टार्च खाया है उस स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा? सलाइवरी एमाइलेस। और इसका दूसरा नाम एक और स्टूडेंट, कई बार इसमें क्वेश्चन आ जाता है, इसको हम बोलते हैं टाइलिन, ठीक है। सलाइवरी एमाइलेस बोलो और टाइलिन, तो ये कहां पर हो रहा है? बकल कैविटी में यानी माउथ कैविटी यानी ओरल कैविटी के अंदर। और यहाँ की जो पीएच होती है वो कितनी होती है? वो होती है 6.8। सो स्लाइट एसिडिक होती है। तो ये सलाइवरी एमाइलेस जो होता है माउथ के अंदर, जो हमने स्टार्च खाया है, स्टार्च क्या है स्टूडेंट? स्टार्च है पॉलीसेक्राइड। सेक्राइड का मीन्स होता है शुगर और पॉली का मीन्स होता है मैनी, यानी जब बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा? पॉलीसेक्राइड यानी स्टार्च, ठीक है। स्टार्च क्या है? पॉलीसेक्राइड। पॉली का मीन्स मैनी, सेक्राइड मीन्स शुगर। तो सलाइवरी एमाइलेस क्या करेगा? उसको कन्वर्ट कर देगा डाइसेक्राइड माल्टोज के अंदर। माल्टोज, और माल्टोज क्या है स्टूडेंट? डाइसेक्राइड। डाई का मीन्स क्या है? टू, और सेक्राइड मतलब शुगर, यानी अभी भी इसके अंदर माल्टोज के अंदर टू ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अटैच हैं, अभी भी पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ है। सो यहां पर क्या हुआ? माउथ के अंदर यानी बकल कैविटी यानी ओरल कैविटी के अंदर जो स्टार्च था वो माल्टोज यानी डाइसेक्राइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। अभी जो हमने डाइसेक्राइड खाया था वो माउथ के अंदर अभी डाइजेस्ट नहीं हो रहा। अब ये जो डाइसेक्राइड बन गया, ये जो फूड बन गया, वो एक बॉल के फॉर्म में आता है जिसको हम बोलते हैं बॉलस। इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक सॉफ्ट बॉल की तरह होता है जिसको हम बोलते हैं बॉलस। और ये बॉलस अब हम इसको स्वेलो करेंगे जिसके साथ सलाइवरी एमाइलेस रहेगा, यानी 30% जो डाइजेशन होता है स्टार्च का वो यहां पर हो जाता है माउथ के अंदर, और बाकी जाके होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यानी 70% डाइजेशन स्टार्च का। क्योंकि हम इतनी जल्दी इसको स्वेलो करते हैं, हमारे लोगों के पास टाइम नहीं होता कि हम उसको आराम से उसको च्यूइंग करें,
चबाएं उसको तो हम बहुत जल्दी से उसको निगल लेते हैं, तो उसके साथ सलाइवरी एमाइलेज भी उसके साथ जाता है लगा हुआ जिसके ऊपर एक्ट कर रहा होता है। हम पूरा डाइजेशन यहाँ पर नहीं हो पाता है क्योंकि हम उसको बहुत देर तक माउथ में नहीं रखते हैं। कहते हैं अगर आप बहुत देर तक उसको खाते रहे चबाते रहे रोटी को तो मीठी लगने लग जाती है क्योंकि वो शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, पर हम लोग इतना देर रखते ही नहीं है, हम जल्दी से उसको स्वैलो कर लेते हैं जिसके साथ सलाइवरी एमाइलेज लगा रहता है। और ये कहा जाता है माउथ से बकल कैविटी से होता हुआ कहा जाएगा अभी इसोफेगस के अंदर। सो नेक्स्ट पार्ट क्या आ गया, इसोफेगस। और इसोफेगस में आप पहले भी पढ़ चुके हो, बकल कैविटी के बाद आता है इसोफेगस, और इसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, यानी 30% स्टार्च का डाइजेशन कहाँ हो गया, ओरल कैविटी यानी माउथ कैविटी के अंदर। और कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, सलाइवरी एमाइलेज या जिसका दूसरा नाम है टाइलिन। ठीक है, अब बकल कैविटी के बाद यानी जो ये बोलस था, ये बोलस कहाँ जाएगा, ये जाएगा इसोफेगस के अंदर, इसोफेगस के अंदर। और आपको पता है कि इसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, तो यहां पर क्या होगा, कोई भी डाइजेशन नहीं होगा, नो डाइजेशन। सो अब फूड कहाँ चला गया इसोफेगस से, सीधा कहाँ एंटर करेगा, सीधा एंटर करेगा स्टमक के पास। सो स्टमक के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, ये भी हम पढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं पहले वीडियो में। सो स्टमक के अंदर भी इसके लिए कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पर भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, नो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन क्योंकि गैस्ट्रिक जूस हैज नो डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, यहाँ पर फॉर स्टार्च डाइजेशन के लिए कोई भी यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा। अब फूड कहाँ पहुंच गया, मेन पार्ट में यानी ड्यूडेनम के अंदर, ड्यूडेनम के अंदर। और ड्यूडेनम क्या क्या रिसीव करेगा, ड्यूडेनम रिसीव करेगा बाइल एक तो, दूसरा बाइल कहाँ से आएगा, लिवर से, लिवर बाइल जो है उसके पास भी कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, बट वो इम्पोर्टेंट फंक्शन किसमें प्ले करता है, इमल्सिफिकेशन में। बाइल के बाद आएगा पैंक्रियाटिक जूस में वर्क होगा, और क्या आएगा, इंटेस्टाइनल जूस। तो ये तीन जूसेस ड्यूडेनम के अंदर जाएंगे, पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस और बाइल। ठीक है, तो बाइल के अंदर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, इसलिए डाइजेशन में हेल्प नहीं करेगा। हाँ, पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस, ये दोनों जो जूसेस हैं वो डाइजेशन में कैसे हेल्प करेंगे कार्बोहाइड्रेट की, वो हम देखेंगे। स्टमक के पास कोई भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा। तो अब हम आ जाते हैं ड्यूडेनम के अंदर। सो ड्यूडेनम के अंदर क्या क्या प्रोसेस होने वाली है, जैसे ही फूड ड्यूडेनम के अंदर पहुंचा वहां पर क्या प्रेजेंट है, एक तो सलाइवरी एमाइलेज था जैसे पहले, वैसे ही यहाँ पर जो एमाइलेज होगा उसको हम बोलेंगे पैंक्रियाटिक एमाइलेज। तो जैसे ही फूड आया उसमें जो भी स्टार्च प्रेजेंट था, यानी 70% स्टार्च का डाइजेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 30% स्टार्च का डाइजेशन बकल कैविटी के अंदर होता है और 70% जो स्टार्च का डाइजेशन होता है वो ड्यूडेनम के अंदर होता है। सो ड्यूडेनम के अंदर स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए पैंक्रियाटिक जूस से जो एंजाइम आएगा उसका नाम क्या है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज। तो मैंने पी लिख दिया यहाँ पर पैंक्रियाटिक एमाइलेज के लिए। और ये पैंक्रियाटिक एमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को फिर से किसमें कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज। और यहाँ पढ़ चुके हैं माल्टोज क्या है, डाई सैक्राइड। सो इसके लिए पीएच कितनी है, इसके लिए पीएच है 7.1 to 8.3 के करीब। ठीक है, सो ये 7.1 to 8.3 पीएच में यानी बेसिक उसमें है, जो है वो डाइजेशन का काम करता है। कौन सा एंजाइम है ये पैंक्रियाटिक जूस में कार्बोहाइड्रेटिक डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसका नाम है पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ये स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब क्या होगा, इंटेस्टाइनल जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट है, इस डाइसेक्राइड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो अगर हम डाइसेक्राइड देखें कौन कौन से हैं, जैसे माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। ठीक है स्टूडेंट, और ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही क्या है, डाइसेक्राइड, ये तीनों ही है डाइसेक्राइड। ठीक है, सो ये डाइसेक्राइड जो है तीनों, इनको डाइजेस्ट करने के लिए कौन कौन से एंजाइम है,
माल्टोस, माल्टोस, सुक्रोस, लैक्टोस। सो माल्टेज के लिए जो एंजाइम है आप कैसे याद रखेंगे, माल्टेज, एएससी जिसके लास्ट में लग जाता है वो एंजाइम हो जाता है। सो माल्टोस के लिए जो एंजाइम हो गया उसमें एएससी लगा दीजिए तो बन गया माल्टेज। ऐसे ही सुक्रोस को डाइजेस्ट करने के लिए लास्ट में लगा दीजिए सुक्रेस, एएससी लगा दीजिए सुक्रेस। लैक्टोज के लिए लैक्टेज, एएससी लगा दीजिए। सो ये तीनों डाइसेक्राइड जो है, इन डाइसेक्राइड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या है एंजाइम, माल्टेज, सुक्रेस, लैक्टेज। और ये तीनों एंजाइम कहां से आए हैं, ये तीनों एंजाइम आए हैं इंटेस्टाइनल जूस से। ठीक है, तो ये वाला जो था वो कहां था, पेंक्रेटिक जूस से आया था, पेंक्रेटिक एमाइलेज। और ये तीनों जो एंजाइम्स आए हैं माल्टेज, सुक्रेस, लैक्टेज, ये आए हैं इंटेस्टाइनल जूस से, जो हम पढ़ चुके हैं सकस एंडेटिकस जिसको हम बोलते हैं उसमें म्यूकस और इंटेस्टाइनल जूस होता है। तो माल्टेज क्या करेगा, माल्टेज माल्टोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोस प्लस ग्लूकोस। यानी हमने पढ़ा ये डाइसेक्राइड है, तो डाइसेक्राइड है यानी दो शुगर के मॉलिक्यूल है तो दोनों सेपरेट हो गए, बन गया मोनोसेक्राइड। ऐसे ही सुक्रोस, सुक्रोस के पास क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोस प्लस फ्रक्टोस, तो ये भी मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो गया, ये भी डाइसेक्राइड था। अब आ गया लैक्टोस, लैक्टोज को कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट होकर क्या बन गया, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टेज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। तो ये तीनों क्या बन गए, ग्लूकोज ग्लूकोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज ग्लैक्टोज। तो ग्लैक्टोज फ्रक्टोज ग्लूकोज, देखो ज्यादातर केसेस में 90% क्या बन रहा है, मोनोसेक्राइड ग्लूकोज और कुछ पार्ट बन रहा है फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज का। तो ये सारे क्या है, सारे मोनोसेक्राइड्स है, यानी फाइनली जो कार्बोहाइड्रेट था वो डाइसेक्राइड से डाइजेस्ट होके क्या बन गया, मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड मतलब जिसके अंदर एक है, मोनो मोनोसेक्राइड, मोनो का मीन सिंगल, सेक्राइड मतलब शुगर, यानी जिसमें एक शुगर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं मोनोसेक्राइड। तो देखिए ये भी मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज ग्लूकोज, तो दोनों ब्रेक डाउन हो गए। इस तरह से जो फूड है वो पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो गया, यानी माउथ में टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज, उसके बाद बोलस के फॉर्म में वो इसोफेगस में जाता है जहां कोई डाइजेशन नहीं होता, स्टमक में जाता है, स्टमक के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं है इसके, वहां पे भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता, वहां पे फूड को हम बोलते हैं काइम। उसके बाद यहां जाता है जुडेनम के अंदर, जुडेनम के अंदर पेंक्रेटिक जूस से आता है पेंक्रेटिक एमाइलेज जो स्टार्च को डाइसेक्राइड यानी माल्टोज में कन्वर्ट करता है। फिर जितने भी डाइसेक्राइड है उनको डाइजेस्ट करने के लिए इंटेस्टाइनल जूस से भी एंजाइम्स आते हैं, जैसे माल्टोज के लिए माल्टेज हो गया, सुक्रोज के लिए सुक्रेज हो गया, लैक्टोज के लिए लैक्टेज हो गया, यानी एएससी लगा दीजिए, कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज ग्लूकोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज ग्लैक्टोज। तो फाइनली ये जो डाइसेक्राइड है वो कन्वर्ट हो गए मोनोसेक्राइड में, यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया सिंपल फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।